गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने रीडिंग की थी। अपना जो टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर हमने कल नाउन की रीडिंग कर ली थी, और आज के लेक्चर के अंदर हम रीडिंग करेंगे अपना जो अगला पॉइंट है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा गया है, प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ ए पर्सन। कि सर्वनाम वह होता है जो कि एक व्यक्ति के स्थान पर, प्लेस या किसी जगह या स्थान पर, थिंग या कोई वस्तु के स्थान पर, और आइडिया इन ए पर्सन और किसी व्यक्ति के विचारों के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी जैसे हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं हम कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे इसका दूसरा तरीके दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन। कि सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही शी दे आई वी यू दिस या दैट। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, बानो इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप। बानो इज क्यूट। ठीक है, तो क्या बता दिया कि बानो इज माई फ्रेंड, कि बानो मेरा मित्र है, बानो इज क्यूट कि वह बहुत ही प्यारा है। तो अब बताया कि अब इसके अंदर देखिए सेंटेंस में बानो दो बार आए, बानो इज माई फ्रेंड, फिर यहाँ पर लिख दिया बानो। तो कहने का अर्थ है कि बानो क्या है यहाँ पर? है नाउन यानी संज्ञा। तो आपको बताया कि प्रोनाउन किसे कहेंगे, कि जो नाउन के स्थान पर हम जो यूज में लेंगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अब बानो को बार बार लिखना उपयुक्त नहीं रहेगा, तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है कि प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, बानो इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर बानो बार बार लिखना ठीक नहीं है, तो बानो के स्थान पर आपको क्या करना है, प्रोनाउन का प्रयोग करना है। बानो क्या नाउन है, तो बानो के लिए क्या लगाएंगे हम, ही इज क्यूट। तो कहने का समझ गए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम काम में लेते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंदर बता दिया कि प्रोनाउन होते कौन कौन से, ही सी दे आई वी यू दिस दैट, ये सभी प्रोनाउन में आते हैं। कि जो नाउन के स्थान पर जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन। यहाँ पर एक शब्द बानु है, इसको बार बार रिपीट करना यानी सही नहीं लगता है, तो इसके स्थान पर आपको क्या करना है, प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो क्या किया हमने, बानु के स्थान पर है ही का प्रयोग किया। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके टाइप्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसके अंदर एक नंबर है पर्सनल प्रोनाउन, ये कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक।
कौन सा है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये देखिए, पहला प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर कॉमा लिसनर एंड थर्ड पर्सन तो इसके अंदर क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन में कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं कि प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर लिसनर एंड ए थर्ड पर्सन कि स्पीकर यानी बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति कि इसके बारे में जो संबोधित करता है कौन सा होता है पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर है काइंड्स ओ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इसके अंदर देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन फर्स्ट पर्सन, ये कौन होता है, पर्सन हु स्पीक्स। पर्सन हु स्पीक्स, व्यक्ति जो बोलता है यानी बोलने वाला, कहने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया, बोलने वाला यानी कहने वाला। इसके अंदर फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और है वी। फर्स्ट पर्सन में कौन सा है, आई और है वी। अब सेकंड है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन सा होगा, पर्सन स्पोकन टू, व्यक्ति जिसे कहा जाए। स्पोकन टू करते हैं व्यक्ति जिससे कहा जाए, यानी पर्सन हु स्पीक्स यानी ये बोलने वाला कहने वाला हो गया। और सेकंड पर्सन हो गया जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं यानी बता रहे हैं। सेकंड पर्सन में आता है यू। तीन नंबर है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में है पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कहा जाए। स्पोकन ऑफ का अर्थ क्या है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ही सी इट दे, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, ये कौन से में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना कि आपको बता रहे थे, सबसे पहले बताया कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन कि वे वर्ड्स जो कि नाउन के स्थान पर हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। और इसके बाद आपको बताया था कि इनके टाइप्स के अंदर पहला जो टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन जो बताया, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसके अंदर जो
स्पीकर, लिसनर और थर्ड पर्सन तीनों शामिल होते हैं। अब इसके अंदर बताया कि तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कहने वाला होता है, और इसके अंदर फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और ए वी। सेकंड पर्सन में बता दिया जिस व्यक्ति को बात कही जाती है, सेकंड में आ गया यू। और थर्ड पर्सन में जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वो कौन सा होता है, ई सी इट दे या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब दो नंबर देखिए, दो नंबर में है रिफ्लेक्सिव। दो नंबर प्रोनाउन कौन सा है अपना, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव के अंदर है व्हेन, दी एक्शन, व्हेन दी एक्शन डन डन बाय दी डन बाय दी सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन दी सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव का अर्थ क्या है, कौन सा था ये निजवाचक, कौन सा है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अब इसके अंदर बताया है कि व्हेन द एक्शन डन, जब कार्य किया जाता है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, और उसका प्रभाव किस पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़े। तो इसमें क्या बता दिया कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, इसे दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग में लेते हैं कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव। यानी क्या बताया इसमें कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो यह दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, हमें काम में लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर देखिए कौन कौन से होते हैं, ये टेबल में लिख लो। इसमें है फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, इसके अंदर है फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में है और प्लूरल में। माई सेल्फ और प्लूरल में क्या होगा, अवर सेल्वेज। सेकेंड पर्सन में क्या होगा, योर सेल्फ। और इसमें क्या होगा, योर सेल्वेज। इसमें है थर्ड में हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इट्सेल्फ। और इसमें क्या होगा, देम सेल्वेज। जैसे एग्जांपल्स के लिए देखिए, ही आर्ट, ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी उन्होंने स्वयं को चोट पहुंचाई। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। यानी
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े यह दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, अर सेल्फ और देम सेल्वेज, ये कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टेक टेक केयर ऑफ योर सेल्वेज, ठीक है, तो ये कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये हो गया अपना सेकंड, जो दूसरा बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमें इतना ही करना है। इसके अंदर आप लोगों को बता दिया प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन, और इसके अंदर जो पहला बताया था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा कौन सा बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निजवाचक सर्वनाम। अब इससे आगे जो शेष बचे वो कल के वीडियो में रीडिंग करेंगे, साथ साथ में आपको नोटबुक के अंदर नोट भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।